हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एलसीएस में। मैं शिवम विश्वकर्मा हाजिर हूँ आप सबके लिए मैथ की खूबसूरत सी क्लास लेकर। दोस्तों, मैथ के आज इसकी इस क्लास में भिन्न को हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं। भिन्न का एक ऐसा लेवल होने वाला है आज में। भिन्न को आप एक भिन्न के लिए आप सबको एक नए टॉपिक को लेके आया हूँ। तो भिन्न में आज हम लोग फिर से कुछ नया पढ़ने वाले हैं, जैसे पिछली क्लास में पढ़े थे। पिछली क्लास में अपने आपको मैंने बड़े भिन्नों को सॉल्व करना सिखाया था। आज यहाँ पर मैं भिन्न में आपको कुछ नया सिखाने वाला हूँ। और ये मैथ की 22वीं क्लास है जिसको आप लोग यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं। 21 क्लास हो चुकी है, और अगर आप 21 क्लासों को ना देखे होंगे तो बारी बारी से इस क्लास के बाद जाकर जरूर देखिएगा, आपको वहां से कुछ न कुछ फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। अगर आप लोग वीडियो में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। और एक बात और आपको बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर वहां पर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको टेलीग्राम ग्रुप भी मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम के चैनल का भी लिंक मिलेगा जिससे आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतना सारा काम आप जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में जाकर जय हिंद लिखें, उसके बाद काम की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सवाल नंबर पहला लेके आ रहा हूँ आप सबके लिए। जो पहली सवाल होगी आपकी, वो देखिएगा किस तरह से होने वाली है, वो आपके साथ मैं बात करूंगा। सवाल नंबर एक की बात होगी, पहले सवाल देखिए आपके लिए कैसी होगी, उस सवाल को आप किस तरह से अटेम्प्ट करने वाले हो, वो सारी बातें हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले सवाल की बात यहाँ पे यह होने वाली है कि देखिए यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज की क्लास में, किसी भिन्न में कौन भिन्न छोटा होगा, कौन भिन्न बड़ा होगा, किसी भिन्न को आरोही क्रम में कैसे करेंगे, किसी भिन्न को अवरोही क्रम में किसे कैसे करेंगे, किसी भिन्न को घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सारी बातें हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल असेंडिंग, डिसेंडिंग, घटता, बढ़ता सब एक ही चीज होता है, इसमें चिंता ना करें। मैं बताऊंगा कौन क्या है, वो चीज आप देखोगे। तो यहाँ पे मैं पहला प्रश्न लेके दिखा रहा हूँ कि लिखा है सबसे बड़ी भिन्न कौन है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, सबसे सबसे बड़ी संख्या यहाँ पूछ रहे हैं, ये कौन सी होगी। और फिर फिलहाल विकल्प आपके पास है चार, पहला है 3 सही 1/3 है, दूसरा आपके पास यहाँ मिल जाएगा, मैं लिखूंगा 5 सही 1/5 है। ठीक, और फिर तीसरा ऑप्शन जो आपके पास होगा वो हो जाएगा कि 2 सही 1/2। ठीक है, यह होगा। और चौथा विकल्प आपके पास होगा वो होगा 7 सही 1/7। अगर आप तुक्का लगाना चाहते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको तरीका सिखाऊंगा, आप गलत कभी नहीं हो सकते हैं, उस बात तक हम लोगों को अचीवमेंट प्राप्त करना है। फिलहाल ये प्रश्न जो है वो मतलब कि किसी एग्जाम में आया हुआ, मतलब पहले किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसके लिए मैं काम करूंगा। देखिए आपको मैं यहाँ सिखा रहा हूँ भिन्न की तुलना करने के लिए, आप आराम से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको ज्यादा फिर मतलब क्लियरिटी ज्यादा आएगी, बाकी देखकर तो आप कुछ भी बता सकते हैं। 3 3 9 1 10 क्या होगा, 10/3। इसको अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें कितना आएगा, 3 3 9 आ जाएगा, 9 1 10, फिर 3 ऐसे कई बार जाएंगे, 3.3 समथिंग ऐसा आता जाएगा। आगे 5 25 25 26/ कितना होगा, 5 होगा। कितनी बार जाएगा, 5 25 25 5 बार जाएगा, 1 26 5 × 10 हुआ, 5.2 पूरी तरह से आ जाएगा। इसका देख लेते हैं, और फिर 2 2 4 1 5/2 है, कहें तो कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, 7 49 1 50/ कितना होगा, 2 50/7 हो जाएगा। इसको आप काटेंगे, 7 49 7 दशमलव में यहाँ पर 1 के आसपास आएगा। आप खुद ही देखिएगा यहाँ पे कौन सा मान बड़ा है, कौन सा मान छोटा है। अब बता ही दे इसमें क्या ही करना है, 7.1 है, 2.5, 5.2, 3.3 है। अब बताइए 7.1 बड़ा मिलेगा ना। और ये भी बात आप जान सकते हैं, लगभग संभवता अगर कहा जाए कि अगर इस प्रकार का सेगमेंट कभी भी मिलेगा जो यहाँ पे पूर्णांक संख्या है वही बटा में रहेगा, तो आप जानिएगा सबसे बड़ी संख्या ही आपके लिए सबसे बड़ी संख्या देगी। सबसे बड़े अंक जिसमें होंगे वही आपके लिए बड़े नंबर देने वाले हैं, इकाई का मान, अंश का मान 1 होने पर। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या ये 7 से 1/7 थी, यही बड़ी संख्या देगी, तो आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा जो कि राइट आंसर होगा।
ट्रिक की बात कर रहा हूँ, जुगाड़ की बात कर रहा हूँ, अगर जिसमें आपका इस तरह से सेगमेंट मिले 3 से 1/3, 5 से 1/5, 2 से 1/2, 7 से 1/7, जहां से मतलब पूर्णांक संख्या और भिन्न में हर का मान दोनों समान रहेगा, अंश का मान इकाई होने पर कोई भी संख्या में जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वो क्या होगी, बड़े अंकों वाली होगी, वही आपके लिए बड़ी संख्या कहलाएगी। फिलहाल ये सबसे छोटी सी जानकारी थी, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न होगा हमारे पास दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न के लिए आप देखिए किस तरह से हम लोग करेंगे, क्या मिलने वाला है उसके बारे में बात करके सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये चीज आप देखोगे, कहा यह गया है किसको आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, अवरोही क्रम में करना है, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होगा इसका मैं बताने वाला हूं। और ये एसएससी के सीजीएल में प्रश्न आया हुआ है, और ये जो है वो 2/3 है, और जो है ये वैसे 2/3 का 3/5 लिखेंगे, दूसरा 2/3 था, 3/5 होगा, और दूसरा हमारे पास है 7/9 हो जाएगा, इसका तीसरा जो भिन्न है 11/13 है, 11/13 इस तरह से यहाँ पे बात व्यवस्था की गई है। इसका क्या निकालना है हम सबको, इनको हमको बताना है कि ये अवरोही क्रम किस तरह से व्यवस्थित करेंगे, अवरोही क्रम का क्या तरीका होगा वो बताने वाला हूँ। फिलहाल आपके पास विकल्प तो जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पहला जो ऑप्शन होगा वो 3/5 है, ठीक, 7/9 है, और 11/13 सेम यही लिखा गया है। दूसरा विकल्प यहाँ पे लिख रहे हैं लोग 7/9, 3/5, 11/13, ये दूसरा ऑप्शन है, और तीसरा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 11/13 होगा और 7/9 होगा, 3/5 होगा, ये है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग कहेंगे चौथा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 11/13 होगा और फिर 3/5 होगा और फिर 7/9 होगा। तो चार विकल्पों के लिए करेंगे काम मिलकर। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल का, इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करेंगे सारी बातों पे चर्चा करते हैं। देखिएगा इसको हल करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीकों में दो तरीका ज्यादा फेमस है। वो तरीका क्या है कि अगर कहें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ भिन्न में हर का मान बराबर करने का प्रयास करते हैं, उस प्रयास में जो अंश बड़ा आ जाएगा वही भिन्न बड़ा होगा, जो अंश छोटा आ जाएगा वही भिन्न छोटा होगा। पहला काम यह होगा, अब हर के मान में 13 है, 9 है, 5 है, सब क्या है आपस में, मतलब नहीं कटने वाले संख्या, सब आपस में अभाषा अभाज्य है, इसलिए कह सकते हैं कि इसका लासा बहुत बड़ा होगा, 5 का, 9 का, 13 का गुणा करने जो आएगा वो इसका लासा होगा, लासा बड़ा हो जाएगा, इसलिए बड़ी संख्या ना लाकर दूसरा तरीका अपनाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इस भिन्न को हम लोग करेंगे दशमलव में परिवर्तन। दशमलव में परिवर्तन आसानी से कर सकेंगे, उस दशमलव में बदलने के बाद हमको काम करना आसान हो जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूं करके, जैसे 5 को 5 से हम लोग भाग करेंगे 3 को, 3/5 का मान क्या होगा, 5×6 होगा, 0.6 आ जाएगा। दूसरा निकालेंगे यहाँ पर, देखिए पहला ये हुआ, दूसरा मान आपका यहाँ पे लिखूंगा 9×7=63, यहाँ पे 70 है ना, और 9×7=63 हो जाएगा, 9×72 8 बार ज्यादा, 9×7=63 0.7 के आसपास आएगा। और फिर 13 की बात करेंगे, 13 का 8 बार जाएगा, 0.8 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए मैंने दशमलव बदला, यहाँ पर 3 को 5 से भाग किया गया, 3 को 5 से भाग करने 0.6 समथिंग आएगा, 7 को 9 से भाग करने 0.7 आएगा, 11 को 13 से भाग करने 0.8 आएगा। अब ये सब करने के बाद आपको क्या दिख रहा है कि अवरोही क्रम का मतलब क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, मतलब घटते क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो घटता क्रम में सबसे बड़ा पहले लिखते हैं, उससे छोटा, फिर इससे छोटा, सबसे बड़ा हमारे पास ये आएगा, फिर दूसरा ये है, ठीक है, फिर तीसरा ये होगा। तो पहले स्थान पर हम लोग 11/13 लिखेंगे, दूसरे पे 7/9, 11/13, 7/9, 3/5, इस तरह से व्यवस्था बनेगी। ऑप्शन नंबर क्या कहोगे, थर्ड वाला आपका सही उत्तर होगा। तो आप अगर कभी भी अगर आपको लगे कि आप दशमलव में मान आसानी से निकाल सकते हैं तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव में आसानी से मान निकाल सके तो भाग करके बना सकते व्यवस्था। लेकिन अगर दूसरी बात यह हो कि अगर आपके पास हर और का मान समान मान आ जाए तब तो आसान बात है, हर का मान समान आ गया जिसमें अंश बड़ा है वही भिन्न बड़ी कहलाएगी, हर का मान छोटा आ गया, हर का मान नहीं, अगर अंश का मान समान आ गया
जिसका हर छोटा वो भिन्न बड़ी कहलाएगी। फिलहाल ये बातें मैं पहली क्लास में बता चुका था आपको भिन्न में। इसमें यहाँ पर केवल हम लोग काम करेंगे किस पे, आरोही और अवरोही क्रम निकालते कैसे हैं वो चीज आपको दिखा के मैं करूंगा, सवाल को लगा रहे हैं, ठीक है। तरीका वरीका अगर पढ़ना हो तो आप इस क्लास के बाद जाके इसके दो क्लास, पहली क्लास आप लीजिएगा तो वहां पे आपको मिल जाएगा। चलते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न होगा, तीसरा प्रश्न आएगा। तीसरा प्रश्न कैसे कीजिएगा वो आपको मैं सिखा रहा हूं। प्रश्न नंबर तीन के लिए काम करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड में लिखाया जाएगा, देखिए मैं दिखा रहा हूं क्या लिखा जाएगा। थर्ड का जो क्वेश्चन होगा वो कह रहे हैं सबसे बड़ी भिन्न का मान बताइए। अब ये भी देख लीजिए, एक और मैं बड़ी भिन्न दिखाता हूं। अभी एक सवाल लगी थी, इसको आप लोग लगा के तुरंत दिखाइए मेरे सामने। यहां पर क्या होगा, 6/7 है पहला है, दूसरा है यहां पे हमारे पास 4/5 है, 4/5 है और 5/6 है और यहां पे 7/8 है में बड़ी भिन्न। अब ये बताइए इसमें बड़ी भिन्न बताना कितना आसान सा है, क्या ही करना है। एसएससी के सीजीएल का 2002 का प्रश्न है, फिलहाल पुराना प्रश्न है भले ही, लेकिन प्रश्न तो है यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6/7, 4/5, 5/6, 7/8 में बड़ी भिन्न का मान निकालना है। बड़ी भिन्न कैसे निकालेंगे, बड़ी भिन्न निकालने के लिए हमको सबसे पहले एक छोटा सा काम करना होता है। काम क्या होगा, चाहे उसको आरोही अवरोही सेट कर लीजिए। कैसे करते हैं, हर कमान बराबर करते हैं पहले, तो ये काम होगा। हर कमान कैसे बराबर होगा, लासा लेकर 7/5 अगर इन सबका लासा लोगे 4 और का तो 7/5 35 का 4 से गुणा करेंगे 140 के आसपास आएगा। अब इतना बड़ा लासा हो जाएगा। अब लासा बराबर ना करने का मन हो तब भी आपके पास ऑप्शन है, इस भिन्न को हल कर लीजिए। एक ही भिन्न बताना है कैसे, कौन बड़ा कौन छोटा, इस भिन्न को हल कर ले, दशमलव बदल ले, दशमलव बदलते ही क्या आ जाएगा आपके पास उत्तर हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा सारा काम। चलिए मैं करके दिखाता हूँ कैसे होगा। अगर यहाँ पे 6/7 को अगर हर मतलब की दशमलव बदलेंगे तो कितना होगा, 7/6 7/56 7/9 63 ज्यादा होगा 7/56 0.8 आएगा, 7/56 हुआ 4 बचा भी। अब क्या हो जाएगा, 7/5 35 85 तक ले गया हूँ, आगे देखता हूँ सकता है इसमें भी 85 के आसपास जाने वाला हो, इसलिए यहाँ था देख के करेंगे। दूसरा 5/5 48 0.8 हो जाएगा, पूरा कट भी गया, चलिए खत्म 80 लिख दीजिएगा यहाँ पे 2 अंक तक ले जाना हो तो। अब यहाँ दूसरा क्या होगा, 6 का कितनी बार जाएगा, 6/8 48 होगा, 48 2/50 है 0.8 कर देंगे, 48 2/50 दो बार जाए, 2 बचा भी 20 आएगा। अब फिर क्या हो जाएगा, 6/3 18 तीन बार जाए 0.83 आ गया। चलिए ये तो कम से कम क्लियरिटी दिख रही है, कहीं भी शेयर वाला समान नहीं है। आगे बढ़ेंगे, 8/9 72 ज्यादा हो जाएगा, 8/64 0.8 आएगा, 64 बचा भी 6 बचा, 64 में 6 बचा है, 60 होगा, फिर 60 का मतलब 8/7 56 8/7 56 8/8 56 इतना आ जाएगा। अब आप खुद देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, सबसे बड़ा तो हमारे पास 8/7 दिख रहा है, फिर उसके बाद छोटा क्या है, यहाँ ये है, तीसरा ये, चौथा ये है। फिलहाल हमारे पास सबसे बताना क्या बड़ी भिन्न कौन है, बड़ी भिन्न आप खुद ही देख रहे हैं क्या है, 7/8 हो गया, तो 7/8 क्या हमारे पास बड़ी भिन्न है, इस तरह से बात कर लेंगे। और एक बात और बताऊं आपको, सुनिएगा ध्यान से, कभी भी अगर आपके पास यहाँ क्रमागत मतलब की अंश का आगे बढ़ता मान, अंश का बढ़ता हुआ मान, अंश की कह सकते हैं कि मतलब कि आगे की संख्या, या फिर अंश का कह सकते हैं कि ना अंश के बाद की संख्या, या फिर एक और कहते हैं ना, जैसे कहते हैं हम लोग छोटा सा नाम लेते हैं, मैं जस्ट बता रहा हूँ, जैसे अंश के बाद अंश का मान क्या है, 6 है, 6 के बाद यहाँ पे मतलब की आएगा 7/5 7/5 6 7/8 मतलब अंश का जो मान होगा उससे एक ज्यादा क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, अगर कोई मतलब की कोई संख्या दूसरी, हर का मान जो होगा वो अंश से एक बड़ा होगा, हर का मान क्या अंश से एक बड़ा है, हर का मान अंश से एक बड़ा है, हर का मान अंश से एक बड़ा है, इस दौरान क्या होगा, सबसे बड़ा वाला भिन्न क्या होगा, बड़ी संख्या होगी, सबसे छोटा वाला भिन्न हमारे पास क्या हो जाएगा, आपके पास छोटी संख्या होगी। इस बात को भी आप जान सकते हैं, ट्रिक समझना आपको है, सुनिएगा। अगर कोई भी भिन्न यहाँ पे ऐसी हो जो अंश का क्रमागत आगे वाली संख्या हर आ जाए, अंश में एक जोड़े हर आया, 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 इस दौरान ऐसे कोई सेगमेंट दिखा होगा तो सबसे बड़ी संख्या जो अंश वाली या फिर पूरा का पूरे मान में सबसे बड़ा जो जोड़ा बनेगा 7/8 सब में बड़ा है। यहाँ पे 7/6 ये था, लेकिन इससे बड़ा ये है, तो सबसे बड़ा वाला जो भिन्न होगा
वो क्या होगा, बड़े नंबर के साथ होगा, बड़े डिजिट के साथ होगा, बड़े अंकों के साथ होगा, वो बड़ा होगा। जो छोटे के साथ होगा वो छोटा हो जाएगा। आप देख रहे हैं आपके पास साक्षात उदाहरण है। इस तरह से ट्रिक के माध्यम से हम लोग जल्दी से काम कर सकते हैं। बाकी आपको तरीका सिखा के मैंने ट्रिक बताया, तो यहाँ पे हर बार मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके अंदर से ट्रिक निकाल के बताऊंगा कैसे निकलती है ट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न होगा हमारे पास चार नंबर होगा। चौथा जो प्रश्न होगा वो आप देखिए किस तरह से चौथे प्रश्न को लाते हैं और यहाँ पे लाके उसका भी हम लोग अच्छे से हल करेंगे। सवाल नंबर चार। तो फिर आपके सामने क्या आएगा, चार नंबर के सवाल आएगी। चार नंबर सवाल में देखेंगे यहाँ पे कह रहे हैं आरोही क्रम में लिखिए। अभी एक आरोही लगाया था, इसको आरोही लगा के दिखाइए। क्या है, एक बटा तीन है कॉमा, दूसरा है चार बट्टा में सात है, तीसरा यहां पर क्या हो जाएगा एक बटा तीन चार बटा सात है, और फिर दो बटा पांच। ठीक, इसको क्या करना है, इन बिंदु को आरोही क्रम में करना है। आरोही क्रम मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा, ऑप्शन नहीं लिखने वाला हूं, करके सिखा के बताएंगे आरोही क्रम में कैसे बदलेंगे। एसएससी के सीजीएल का 2004 का प्रश्न है। ठीक है, तो इसका आरोही क्रम कैसे होगा वो व्यवस्था करके दिखा रहा हूं। अभी तक तो बहुत खेला खेल लिए, किस पर खेला खेले हम लोग, यहाँ पे दशमलव बदलकर। अब दशमलव नहीं बदलेंगे, इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ भिन्न को कैसे हम लोग लासा विधि से बराबर छोटा बड़ा दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लासा लेके क्या करना होगा, ऐसा कुछ व्यवस्था बनाओ कि हर का लासा लीजिए। हर का मान क्या है, तीन है, और क्या सात है, और क्या पांच है, सब आपस में सहभाज्य है, इसलिए कुछ नहीं होने वाला। इसका लासा इसका गुणा ही होगा। क्या होगा, पांच ने पंद्रह सत्ते 105 होगा। 105 क्या आ गया, लासा। 105 लासा आया तो हम लोग क्या करेंगे, एक बटा तीन था ठीक है, चार बटा सात है कोई ना, उसके बाद फिर क्या है, दो बटा पांच है। यहाँ पर हर में एक लासा का जो मान है वो बनाने का प्रयास करेंगे। तो हर का मान अगर बढ़ाना हो तो अंश हर दोनों में परिवर्तन वही करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे किससे गुणा कर देंगे, क्या हो जाए, अंश का मतलब हर का मान 105 हो जाए। यहाँ पे हम लोग 7 × 5 = 35 से गुणा कर देंगे। यहाँ 35 ऊपर गुणा होगा, नीचे 35 से गुणा होगा। यहाँ पे 35 से कम 35 आ जाएगा, और 35 से कितना होगा, 3 × 5 = 15, और 3 × 3 = 10, 105 हो गया। आगे इसमें किससे गुणा करेंगे, हर के मान में क्या आ जाए, 105 आ जाए। तो हम लोग क्या करें, 15 से, 15 से 105 होगा ना, 15 जो कि 60 होगा, 60/105 होगा, इतना कर लिए हैं। यहाँ पे हर में क्या करेंगे, 105 ला दें, यहाँ पे 7 × 21 से गुणा करेंगे। 21 × 5 = 105 होता है, 21 × 2 = 42 होगा, और 105 हो गया। आप देखिए हर का मान बराबर, तो जो अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, जो अंश छोटा वो भिन्न छोटा। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, हमारे पास सबसे बड़ा मान क्या है, 60 वाला है, फिर क्या है यहाँ पे ये वाला है, फिर ये वाला। इसका मतलब पहला मान क्या होगा, 4/7 होगा, ये बड़ा है। इसके बाद दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला 42 वाला 2/5 है, ये बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा होगा 35 वाला 1/3 हो जाएगा, इतना हुआ। तो हमारे पास क्या हुआ, आरोही क्रम ये हो गया। आरोही बनाना होगा तो क्या कर लेंगे, ऐसे आरोही, ये तो आरोही बना है, हाँ ये तो आरोही है क्योंकि बड़ा मान आ गया ना, ये आरोही है, आरोही क्रम ये सेट हुआ। आरोही का मतलब सबसे क्या होगा, पहले छोटा लिखेंगे फिर उसके बाद बड़ा लिखेंगे। आरोही क्रम कौन सा होगा, छोटा वाला मान क्या है, ये 35 के लिए 1/3 हो जाएगा। इससे बड़ा क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हमारे पास ये 2/5 है ठीक। इससे बड़ा क्या हो जाएगा, हमारे पास 4/7 है। ये व्यवस्था बनाया मैंने, इसमें क्या सिखाया आपको, आरोही अवरोही दोनों सिखाया है। आरोही कैसे सेट करेंगे, जो बड़ा मान होगा वो पहले होगा, छोटा मान पीछे होगा, इसे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। असेंडिंग का मतलब बढ़ते क्रम होता है, बढ़ते क्रम का मतलब छोटे मान को आगे बड़े मान को पीछे व्यवस्था देते हैं, ये होता है आरोही क्रम। तो आरोही अवरोही इस तरह से हम भिन्नों में हल करते हैं। भिन्न में हर का लासा बराबर, हर का हर को लासा विधि से बराबर करते हैं। सभी हरों का लासा लेंगे, वही लासा का मान बनाने के लिए किसी भी पद से गुणा करना पड़ेगा, और अंश में गुणा करके वो व्यवस्था करेंगे। हर का मान बराबर आने के बाद हम लोग अंश में बड़े अंश को बड़ी पद कहेंगे, बड़ी संख्या कहेंगे, छोटे अंश को छोटी संख्या कहा करते हैं, ये सवाल लगाया करते हैं भिन्न में छोटा बड़ा, या फिर कह सकते हैं ना आरोही अवरोही क्रम दिखाने के लिए। ठीक है, ये चीज था। आगे बढ़ेंगे, एक और सवाल है, एक और सवाल के बारे में आपको मैं कहने वाला हूँ। यहाँ पर एक छोटी सवाल आगे होगी, वो होगी पांच नंबर आपके लिए। पांचवी सवाल देखिए किस तरह से करेंगे, पांचवी सवाल आपके सामने किस तरह आएगी, है कौन सी सवाल, उसके बारे में सारा कुछ आपको दिखा रहा हूँ। सवाल नंबर पांच, यहाँ पे मैं आप ये पांचवी सवाल आप सबके हवाले छोड़ता हूँ। यहाँ पे यूट्यूब के इस क्लास में आप सबके हवाले सवाल नंबर पांच है,
इसको सही से तवज्जो दीजिएगा, इसका उत्तर सही से निकालेंगे। यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, जो लिख रहा हूं आप देखिएगा, यहां पे कह रहे हैं कि आरोही क्रम कौन सा सही है, कौन सा क्रम, कौन सा क्रम आरोही के लिए सही है। ये आपके पास आपका सवाल है, कौन सा क्रम आरोही के लिए सही है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा जो, वो 5/7 है, कॉमा 9/11 है, कॉमा 7/8 है। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को आप सब संभाल ले, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा जो होगा वो होगा हमारे पास 5/7 होगा, 7/8 होगा और 9/11 होगा। तीसरा जो विकल्प आपके सामने मिलेगा वो मिलेगा 7/8 होगा, 5/7 हो जाएगा और फिर 9/11 मिला है। जो चौथा विकल्प होगा वो होगा 9/11 होगा और 7/8 होगा, 5/7 होगा। तो यहाँ पे चार विकल्पों के लिए लोग काम करेंगे, ठीक है। और ये प्रश्न है, इस प्रश्न में लिखा क्या है कि कौन सा क्रम आरोही के लिए सत्य होगा। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, पहले छोटा मान फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा मान लिखेंगे। और यहाँ पे चार विकल्प हैं, चारों विकल्पों में आप चाहे तो आप भिन्न में हर को लासा विधि से बराबर कीजिए, इन सब पर दशमलव मान निकाल लीजिए। मैंने कहा पहले भी कि ये सवाल आपके हवाले सौंपता हूँ, आप इसको सही तवज्जो दीजिएगा, इसका हल बताइएगा। तो कमेंट बॉक्स खाली नहीं जाना चाहिए, अगर आप वीडियो में यहां तक आए हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, सवाल को संभालिए और इसका सही उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में भर के जाइए। तो फिलहाल दोस्तों इस क्लास में कुछ इतना ही, मिलेंगे फिर से नई क्लास में। क्लासेस थोड़ी छोटी हो रही हैं, थोड़ा सा इशू हो रहा है, थोड़ा टेक्निकल इशू स्टूडियो में थोड़ा चल रहा है कुछ काम, इस वजह से हम लोग क्लासेस थोड़ा छोटा लेकिन ले जरूर रहे हैं। क्लास रोज शाम को 8 बजे आपको मिलती है, लाइव क्लास मिल रही है, क्लास ली जाएगी चाहे कुछ भी हो जाए, थोड़ा बहुत चाहे कभी कभी छोटी क्लास होगी, कभी थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, यही बात होगा, बाकी क्लास आपकी कंटिन्यू चल रही है। आप सब अपना सपोर्ट, आप सब थोड़ा सा सपोर्ट बना कर रखें अपने लिए भी, हमारे इस यहाँ पे टेक्निकल विद SAS के टीम के साथ भी। तो फिलहाल मिलते हैं नई क्लास में। और एक बात और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी SSC के या फिर जितने जो भी आपके जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है या फिर दिल्ली कांस्टेबल की वैकेंसी निकल ही हुई है, उसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, तो आप सब तैयार हो जाइए मैथ को एक अच्छे लेवल का समझने के लिए, मैथ को एक बेहतर ढंग से करने के लिए, जिसमें जिसके लिए आप लोग केवल आप 8 बजे शाम को आ जाया करें लाइव में, उसका सारा कुछ काम कर लेगा। अगर हाँ, अगर आपके पास वक्त ना मिल पाता हो थोड़ा लेट में, बाद में आकर देख लिया करें, क्योंकि वीडियो YouTube पर मिलेगा आपको हमेशा। मिलते हैं फिर से नए क्लास में नए वीडियो के साथ, धन्यवाद, जय हिंद।